अयोध्या में भगवान राम के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है। उससे पहले अयोध्या स्थित महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महर्षि वाल्मीकि की 15 लाख कीमत की अष्टधातु की प्रतिमा लगने जा रही है। इस प्रतिमा में महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मूर्ति ग्वालियर के रहने वाले बड़े शिल्पकार प्रभात राय ने तैयार की है। ग्वालियर के मूर्तिकार प्रभात राय ने महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत प्रतिमा तैयार की है। 6 फीट चौड़ी और 7 फीट ऊंची महर्षि वाल्मीकि की ये मूर्ति 30 दिन में तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने प्रभात राय को महीने भर पहले अष्टधातु की मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था। 30 कलाकारों ने दिन रात काम करके ये मूर्ति तैयार की है। करीब 1100 किलो की वजनी अष्टधातु से बनी ये मूर्ति अयोध्या पहुँच चुकी है। इन अष्टधातु में कॉपर, लेड, टिन, आयरन, सिलिकॉन, जिंक, एंटीमनी और कैडमियम शामिल है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस मूर्ति को स्थापित किया जाना है। मूर्तिकार प्रभात राय उनके द्वारा वाल्मीकि की मूर्ति बनाए जाने पर उत्साहित हैं और उनका कहना है कि बहुत गर्व की बात है कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर एयरपोर्ट के लिए मूर्ति भेजने का अवसर मिला। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था महर्षि वाल्मीकि जी का मूर्ति बनाते हुए और रामायण लिखते हुए, जिनमें रामचरितमानस जो लिखी गई है उनके द्वारा ही मैंने कोशिश की है उसका हूबहू मूर्ति बनाई जाएगी। किस धातु की मूर्ति बनाई गई? ये अष्टधातु की बनाई गई थी। तो तकरीबन कितने दिन इसको बनाने में लगे? 30 दिन लगे थे मेरे को बनाने में। 30 कारीगर हमारे साथ के सहयोगी आर्टिस्ट जो हैं वो कुछ लागत आई है करीबन 16 लाख रुपए की लागत आई और 7 फुट की मूर्ति थी और 11 टन वो मेटल आया उसमें। अस्पताल का एयरपोर्ट पे लगाई जाएगी और मेरे को तो खुद को गर्व महसूस हो रहा है कि अपन को काम मिला वहाँ पे राम जी जन्मभूमि पे। इससे बड़ी खुशी क्या होती? भगवान राम की नगरी अयोध्या में नव निर्मित एयरपोर्ट पर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति को ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रभात राय ने बनाया है, लेकिन उनके बेटे अनुज राय ने भी अपने पिता के साथ मिलकर कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। युवा मूर्तिकार अनुज बताते हैं कि इस मूर्ति को बनाते वक्त वो काफी उत्साहित थे क्योंकि महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा के रूप में अयोध्या राम जन्मभूमि में उनका योगदान जा रहा है। ये क्षय उनके और उनके स्टाफ के लिए खुशी का मौका है क्योंकि इस कड़ाके की सर्दी में भी काम करते हुए इस भव्य मूर्ति को तैयार किया गया है। इस मूर्ति की विशेषता, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये हम लोग अयोध्या में लगा रहे हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या का एयरपोर्ट वाल्मीकि एयरपोर्ट इन्हीं के नाम पर रखा गया, तो वाल्मीकि जी की मूर्ति जिनकी हाइट अपनी 7 फुट थी वो वहीं पर ही स्थापित की जा रही है। तो उसकी सबसे यूनिक पॉइंट तो इसका यही है। इसको बनाने में हम लोगों को लगभग 30 दिन का समय लगा है, जिसके अंदर हम लोगों ने रात दिन इसके अंदर मेहनत करके इस मूर्ति को तैयार किया है क्योंकि हमें इसके राम जन्मभूमि के इनॉग्रेशन से पहले हम लोगों को देनी थी, वो स्टैचू वहाँ पहुँचानी थी। इसलिए इसके अंदर हम लोगों ने अष्ट धातु का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर अपने 8 मेजर धातुओं को मिला के बनाई जाती है। जितनी भी अपनी मूर्ति जिनकी प्रतिष्ठा की जाती है, जो भगवानों की बनाई जाती है, उन सब में हम अष्ट धातु का इस्तेमाल करते हैं। गौरतलब है कि ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रभात राय की मूर्तियां मध्य प्रदेश सहित देश के प्रमुख शहरों में लगी हुई हैं, लेकिन ये मूर्ति बेहद खास है क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम के नव निर्मित मंदिर का उद्घाटन होना है। इससे पहले 30 दिसंबर को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसके बाद अब वहाँ महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना के लिए भेजी गई है।